डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। इस सवाल में हमसे पूछा है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 9 इसको अगर हम गुणा करेंगे 72 से तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम 72 को देखें तो 72 जो होता है हमारा, 72 बराबर होता है 9 × 8, और ये दोनों जो है 9 और 8 को देखें तो ये जो है हमारा सौ अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो इनके गुणा करने के बाद जो आएगा वो हमारा 9 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। और 8 से विभाजित होने का क्या, 8 से विभाजित होने का जो हमारा सूत्र है वो ये है कि आखिरी की तीन संख्याएं वो हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए। और 9 से विभाजित होने का ये है कि जो संख्याओं का जोड़ है वो हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम पहले ही देखते हैं कि आखिरी के तीन किसमें जो है 8 से विभाजित हो रहा है। तो इसमें आखिरी के तीन जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, इसमें भी आखिरी के तीन 8 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो 8 से ये कट जाएगा और ये हो गया 1 और 8 18 हो जाएगा, 18 नहीं कटेगा तो ये हमारा 8 से नहीं विभाजित है। और ये 8 से अगर इसको कटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 19 हो गया, ये 16 कट गया। तो 3 और 8 38 हो जाएगा, 38 जो हमारा 8 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब ये जो है जो संख्या उत्तर होगी वो हमारा 9 से भी विभाजित होना चाहिए। और 9 से विभाजित होने का ये है कि जो संख्याओं का जोड़ है वो हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये हमारा कितना हो गया, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 8 बार 8 लिखा हुआ है यानी कि 8 × 8 इसका योग हो जाएगा 64। और 64 जो हमारा 9 से विभाजित नहीं होता है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें 9 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 हैं। तो 9 × 8 बराबर ये हो जाएगा 72। और 72 जो योग है वो हमारा 9 से विभाजित होता है तो ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।